गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं 1980 की एक ड्रामा एडवेंचर रोमांस फिल्म लाया हूं, जिसका नाम है थे ब्लू लगून। ये फिल्म दो बच्चों के बारे में है जो एक आइलैंड में फंस जाते हैं और वो जैसे जैसे बड़े होते हैं उनके शरीर में शारीरिक परिवर्तन होते हैं और वो एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। क्या होता है जानने के लिए देखे पूरा वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। एक परिवार एक जहाज पर सैन फ्रांसिस्को जा रहा है। रिचर्ड एक 9 साल का लड़का है और एमिलीन एक 7 साल की लड़की है। रिचर्ड के पिता के साथ नौकायन कर रहे हैं। एमिलीन और रिचर्ड कजिन्स हैं। पैदी बटन जो जहाज का कुक दूर है, रिचर्ड और एमिलीन पैदी के रूम में जाते हैं और वहां लड़कियों की कुछ चौंकाने वाली तस्वीरें पाते हैं। तब पैदी उन्हें पकड़ता है और सजा देता है, लेकिन अचानक जहाज में आग लग जाती है जिससे पैदी बच्चों को लाइफ बोट पर ले जाने के लिए मजबूर हो जाता है। बच्चों को रिचर्ड के पिता से अलग कर दिया गया है जो एक अन्य लाइफ बोट में भाग रहे हैं। हर कोई जहाज से दूर जाने का प्रबंधन करता है, लेकिन विस्फोट से भारी धुएं के कारण वो खो जाते हैं। पैदी, रिचर्ड और एमिलीन बिना भोजन और पानी के समुद्र के बीच में फंसे हुए हैं। एक सुबह एमिलीन जागती है और उसे एक सुंदर आइलैंड मिलती है। पैदी द्वीप को देखकर खुश हो जाता है और जल्दी से नाव को द्वीप पर भेज देता है। पैदी किसी भी समय बर्बाद नहीं करता है और द्वीप की खोज शुरू कर देता है। अंत में उन्हें पीने के लिए ताज़ा पानी और खाने के लिए कुछ खाना मिल जाता है। कुछ और खोज करने के बाद उन्हें रम से भरा एक कैन मिलता है। इस बीच रिचर्ड को छेद वाली एक मानव खोपड़ी मिलती है। पैदी को लगता है कि कुछ गड़बड़ है और वो जगह छोड़ देता है। जब वो किसी अन्य नाव की तलाश में है तब एमिलीन कुछ जामुन उसके मुंह में डालती है। पैदी उसे चेतावनी देता है कि जामुन जहरीले होते हैं और वो उसे थूक देता है और वो बचाए जाने की उम्मीद में किनारे के पास शरण लेने का फैसला करते हैं। समय बीतता जाता है और वो अभी भी द्वीप पर अटके हुए हैं। पैदी बच्चों को मछली पकड़ना, शेड बनाना और कई अन्य चीजें सिखाता है। एक रात रम पीते समय पैदी को द्वीप के दूसरी ओर से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। अगली सुबह पैदी उस जगह का निरीक्षण करने जाता है और एक चट्टान पर कुछ मांस पाता है। कुछ गलत होने का एहसास होने पर पैदी वापस किनारे की ओर भागता है। रात में पैदी रिचर्ड और एमिलीन से कहता है कि वो कभी भी द्वीप के दूसरी तरफ नहीं भटकेगा। एक रात कैन से रम पीकर पैदी नशे में धुत हो जाता है। बच्चों के साथ नाचने के बाद वो आग के पास सो जाता है। वो सुबह जल्दी उठता है और नशे की हालत में टापू के दूसरी तरफ तैर जाता है। अगली सुबह रिचर्ड और एमिलीन पैदी की तलाश करते हैं। वो उसके पास जाने के लिए नाव लेते हैं और पता चलता है कि पैदी मर चुका है। उसका लाश देखकर बच्चे सहमे हुए हैं। एमिलीन वो जगह छोड़ना चाहती है क्योंकि उसे अब वहां रहना अच्छा नहीं लगता, इसलिए उन्होंने अपना सारा सामान नाव पर रखा और दूसरे द्वीप पर चले गए। वो पैदी द्वारा सिखाए गए सभी निर्देशों का पालन करते हैं और बहुत सारा भोजन इकट्ठा करते हैं, एक शेड बनाते हैं और जीवित रहने की कोशिश करते हैं। समय बीतता जा रहा है और वो बहुत बड़े हो गए हैं। वर्षों तक द्वीप पर रहने के बाद उन्होंने जीवित रहना सीख लिया है और अपना अधिकांश दिन भोजन इकट्ठा करने में व्यतीत करते हैं। उन्होंने रहने के लिए एक शेड बनाया है और द्वीप को अपना घर बना लिया है और वो शारीरिक रूप से काफी बड़े हैं, लेकिन मानसिक रूप से वे आज भी वही रिचर्ड और एमिलीन हैं जो सालों पहले द्वीप पर आए थे। वो अपने शरीर में शारीरिक परिवर्तन देख रहे हैं लेकिन उन्हें समझ नहीं पा रहे हैं। एक दिन तैरते समय एमिलीन को पानी में खून मिला और वो तुरंत रिचर्ड को बुलाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसके शरीर से खून निकल रहा था। वो पहली बार अपने पीरियड्स का अनुभव कर रही है लेकिन उसे इसकी जानकारी नहीं है। रिचर्ड उसकी मदद करने की कोशिश करता है लेकिन एमिलीन उसे जाने के लिए कहती है। बाद में रिचर्ड एमिलीन से ब्लीडिंग के बारे में पूछता है। एमिलीन उसे बताती है कि वो नहीं जानती। रिचर्ड किसी भी कट के लिए अपने शरीर की जांच करना चाहता है जिससे ब्लीडिंग हो सकता है, लेकिन एमिलीन उसे अपने पास नहीं आने देती। रिचर्ड उसके साथ अपने रहस्यों को साझा नहीं करने के लिए पागल है और छोड़ देता है। एमिलीन रिचर्ड के प्रति आकर्षित है और उसे देखना बंद नहीं कर सकती। रिचर्ड अभी भी पैदी की मौत से परेशान है और जानना चाहता है कि उसकी मृत्यु कैसे हुई। एक रात रिचर्ड और एमिलीन को उनके द्वारा छोड़े गए द्वीप से कुछ अजीब ड्रमिंग साउंड सुनाई देती है। अब रिचर्ड भी एमिलीन के प्रति आकर्षित होता है और उसे समुद्र में नंगा तैरते हुए देखता है। एक दिन एमिलीन फिर से ड्रमिंग की आवाज़ सुनती है और उसे देखने जाती है। वो ये जानने के लिए द्वीप के शीर्ष पर जाती है कि ध्वनि कहाँ से आ रही है। एमिलीन उस जगह की जांच करने जाती है और उसे एक विशाल चट्टान की मूर्ति मिलती है। वो देखती है कि मूर्ति से खून निकल रहा है। डरा हुआ वो वापस शेड में भागती है और रिचर्ड को सब कुछ बताती है। एमिलीन का मानना कि मूर्तिकला एक भगवान है, लेकिन रिचर्ड ने उसे फिर से वहां न जाने की चेतावनी दी। एक रात सोते समय एमिलीन को एक सपना आता है जहां रिचर्ड ने जहरीले लाल जामुन खाए और पानी में डूब रहा है। वो उठती है और रिचर्ड से कहती है कि वो उसे वादा करे कि वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा। रिचर्ड उससे वादा करता है और वो एक दूसरे को चूमते हैं।
बाद में वो उसके साथ गपा गप करने की कोशिश करता है, लेकिन एमिलीन उसे रोकती है और वो छोड़ देता है। उस रात बाद में जब एमिलीन सो रही थी, रिचर्ड उसे छूना शुरू कर देता है। एमिलीन जागती है और उसे जाने के लिए कहती है। अगली सुबह जब एमिलीन रिचर्ड से बात करने की कोशिश करती है तो वो उसकी इग्नोर करता है। एमिलीन रिचर्ड की जांच करने जाता है और देखता है कि वो खुद को आनंदित कर रहा है। रिचर्ड इस अज्ञात भावना का अनुभव कर रहा है जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया है और वो इसका विरोध करने में असमर्थ है। एमिलीन उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन वो उससे बात करने से इनकार कर देता है। एक दिन रिचर्ड समुद्र में एक जहाज देखता है और सिग्नल की आग को जलाने के लिए जल्दी से शेड में वापस चला जाता है। एमिलीन जहाज को देखती है लेकिन सिग्नल की आग नहीं जलाने का फैसला करती है। रिचर्ड उस पर गुस्सा है कि उसने सिग्नल नहीं जलाया और एक नाव पर चला गया जिसे उसने खुद बनाया था, लेकिन उसका जहाज टूट जाता है और रिचर्ड तैरकर किनारे पर आ जाता है। द्वीप छोड़ने की कोशिश करने के लिए एमिलीन उसका मजाक उड़ाती है और उसे बताती है कि द्वीप अब उनका घर है। वो उसे ये भी बताती है कि वो जानती है कि वो हाल ही में अपनी चीज के साथ क्या कर रहा है। रिचर्ड उस पर जासूसी करने के लिए पागल है और उस पर एक नारियल फेंकता है। फिर वो उसके शरीर का मजाक उड़ाता है जिससे एमिलीन नाराज हो जाती है। वो एक नारियल फेंकती है जो रिचर्ड के सिर से टकराता है। रिचर्ड ने उसे थप्पड़ मारा और उसका सारा सामान उनके घर से फेंक दिया जैसा कि रिचर्ड ने खुद बनाया था। इसलिए एमिलीन को अकेले रहना पड़ता है और पास की चट्टान में शरण लेनी पड़ती है। एक दिन वो मूर्ति पर कुछ फूल लगाने जाती है ये सोचकर कि यह एक भगवान है। लौटते समय वो एक जहरीली मछली पर कदम रखती है। रिचर्ड उसकी जांच करने जाता है और देखता है कि जहर के कारण एमिलीन बीमार है। वो रिचर्ड से कहती है कि वो उसे भगवान के पास ले जाए। इसलिए रिचर्ड उसे जंगल से होते हुए मूर्तिकला तक ले जाता है। रिचर्ड ने एमिलीन के ठीक होने के लिए मूर्तिकला के लिए प्रार्थना की। कुछ समय बाद एमिलीन ठीक हो जाती है और रिचर्ड उसके लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। वो एमिलीन को किनारे पर वापस लाने में मदद करता है और वो एक साथ समय बिताना शुरू करते हैं। एक दिन वो एक दूसरे को चूमते हैं जिसके बाद वे गपा गप भी करते हैं और वो अंत में उनकी भावनाओं को समझने में सक्षम हैं और एक साथ रहकर खुश हैं और वो एक साथ समय बिताना शुरू करते हैं और हर पल को एक साथ संजोते हैं। समय बीत जाता है और रिचर्ड और एमिलीन द्वीप पर खुश हैं। एक दिन एमिलीन की तबीयत ठीक नहीं है। उस रात बाद में जब रिचर्ड एमिलीन को चूमने की कोशिश करता है तो वो उसे रोक देती है। रिचर्ड उससे पूछता है कि क्या वो अब उससे प्यार करती है, लेकिन एमिलीन कहती है कि जब वो ऐसा करते हैं तो दर्द होता है। वो नहीं जानती कि ऐसा क्यों हो रहा है और कहती है कि उसके पेट के अंदर कुछ है। रिचर्ड अपना हाथ उसके पेट पर रखता है और कुछ हिलता हुआ महसूस करता है। उनमें से कोई भी नहीं जानता कि एमिलीन के साथ क्या हो रहा है और वो ठीक है या नहीं। कुछ महीनों के बाद रिचर्ड दूर से ढोल की आवाज़ सुनता है और जल्दी से उस स्थान पर पहुंच जाता है। जब वो उस स्थान पर पहुंचता है तो वो देखता है कि कुछ ट्राइबल लोग मूर्ति के सामने एक अनुष्ठान कर रहे हैं जिसके दौरान वो एक व्यक्ति को अपने भगवान के लिए बलिदान करते हैं। रिचर्ड डर गया और वापस किनारे की ओर भाग गया। वो एमिलीन को दर्द से कराहते हुए सुनता है जो प्रसव पीड़ा पर जा रही है। रिचर्ड की मदद से एमिलीन एक बच्चे को जन्म देती है और वो उसका नाम पैदी रखते हैं। गर्भावस्था के बारे में कुछ नहीं जानने के बावजूद वे सफलतापूर्वक जन्म देने का प्रबंधन करती हैं। वो बच्चे को कुछ फल और पानी पिलाने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता कि बच्चे को क्या खिलाना है। एमिलीन बच्चे को अपनी बाहों में रखती है और अनजाने में बच्चे को फीडिंग कराती है। बाद में रिचर्ड एमिलीन को ट्राइबल लोगों के बारे में बताता है और फिर कभी द्वीप के दूसरी तरफ नहीं जाने के लिए कहता है। रिचर्ड और एमिलीन बाहरी दुनिया से अलग थलग हैं जिसके कारण वो समझ नहीं पाते हैं कि लोग एक दूसरे का बुरा क्यों करते हैं। एक दिन रिचर्ड द्वीप पर वापस जाता है और पैदी का कंकाल देखता है। वो मनुष्य की शारीरिक संरचना के बारे में जानने की कोशिश करता है। रिचर्ड और एमिलीन एक साथ खुश हैं और अपने जीवन में और कुछ नहीं चाहते हैं। एक दिन एमिलीन बच्चे को तैरना सिखाती है। समय बीतता जाता है और बच्चा बड़ा हो जाता है जो अब तैरना जानता है। वो तीनों एक साथ द्वीप पर खुश हैं और हमेशा अपना समय एक साथ खेलने में बिताते हैं। एक दिन जब वो किनारे के पास खेलते हैं, रिचर्ड के पिता अपने जहाज पर द्वीप पर आते हैं। रिचर्ड और एमिलीन नाव देखते हैं लेकिन मदद के लिए फोन नहीं करना चुनते हैं क्योंकि वो द्वीप पर खुश हैं। चूंकि वो कीचड़ में ढके हुए हैं इसलिए उनकी उपस्थिति निर्धारित करना मुश्किल है और रिचर्ड के पिता मानते हैं कि वो रिचर्ड और एमिलीन नहीं हैं। एक दिन परिवार पुराने द्वीप पर वापस चला जाता है क्योंकि एमिलीन इसे एक बार और देखना चाहता है। रिचर्ड केले की खोज करता है, एमिलीन और पैदी को नाव के साथ छोड़ देता है। वो अपना पुराना सामान ढूंढते हैं और वहाँ की यादों को याद करते हैं। जब एमिलीन कहीं और देख रहा होता है, पैदी लाल जहरीले जामुन की एक शाखा चुनता है और उसे नाव में डाल देता है। एमिलीन और पैदी नाव पर रिचर्ड की प्रतीक्षा करते हैं। नाव धीरे धीरे दूर चली जाती है और पैदी नाव में से एक पैडल को उछाल देता है।
पैडल तक पहुंचने में असमर्थ एमिलीन रिचर्ड को चिल्लाती है, जो उसके पास तैरता है। लेकिन अचानक एक शार्क कहीं से निकलती है और रिचर्ड का पीछा करती है। एमिलीन दूसरे पैडल को शार्क पर फेंकता है और रिचर्ड नाव तक पहुंचने का प्रबंधन करता है। परिवार धीरे धीरे समुद्र से दूर समुद्र में चला जाता है। रिचर्ड और एमिलीन पैडल पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन टाइड्स बहुत तेज है। वो द्वीप से बहुत दूर चले गए हैं और अब फिर से समुद्र में फंस गए हैं। कई दिनों तक बहते रहने के बाद रिचर्ड और एमिलीन पैडी को जहरीले जामुन खाते हुए पाते हैं। एमिलीन बच्चे को जगाए रखने की कोशिश करती है, जो जामुन की वजह से बीमार है। यह देखकर कि उनके लिए कोई उम्मीद नहीं है, रिचर्ड और एमिलीन भी जहरीले जामुन खाते हैं और हमेशा के लिए सो जाते हैं। लेकिन वो आखिरी बार एक दूसरे को गले लगाते हैं और मौत का इंतजार करने के लिए लेट जाते हैं। रिचर्ड के पिता नाव को देखते हैं और जल्दी से उसकी ओर बढ़ते हैं। वो नाव पर जाता है और रिचर्ड, एमिलीन और पैडी को देखता है। रिचर्ड के पिता पूछते हैं, क्या वो मर चुके हैं? जिस पर कप्तान जवाब देता है, नहीं सर, वो सो रहे हैं। इसका मतलब है कि जामुन जहरीले थे, लेकिन इतने जहरीले नहीं थे कि किसी की जान ले सके। तो ये थी थिब्लू लगून की कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो पूरी फिल्म देखें, और अगर आप ऐसी और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।